Hello friends, welcome to Prepare IAS online education portal. Myself Ankit, Mishra. Today we discuss about the origin and evolution of earth and life supporting factor on earth. आज हम पृथ्वी पर जीवन संभाव्यकारी दशाओं की समीक्षा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे हमारा जीवन संभव हो पाया। इसके लिए हम पहले बात करेंगे तो फर्स्ट हाइपोथेसिस व्हिच डिस्टिंग्विश द फीचर्स व्हिच सपोर्ट द लाइफ ऑन अर्थ बाय द सर इमैनुअल कांट जर्मन ज्योग्राफर गिवन इन हाइपोथेसिस एयर मास हाइपोथेसिस इन 1745 इमैनुअल कांट साहब ने बताया कि शुरुआत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व सिर्फ धूल के कण और गैस का एक विशाल काय बवंडर था जो कि अपनी सेल्फ ग्रेविटी से जो भारी पार्टिकल थे वो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो अंदर एक्युमुलेट होते चले गए और एक बड़े तारे के रूप में परिणत हो गए। बाकी के जो छल्ले बाहर एक्युमुलेट हुए वो एज ए प्लैनेट उसके चारों तरफ रिवोल्यूशन करने लगे। इसके पुष्टि के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि अगर आप एक बकेट में पानी में कुछ पार्टिकल डाल करके और उसे गोल गोल घुमा दें तो जो जितने भी भारी पार्टिकल्स होंगे वो केंद्र में एकत्रित होते चले जाएंगे और उनके चारों तरफ जो छोटे छोटे छल्ले बनेंगे वो भी उस केंद्र में स्थित भारी द्रव्यमान का चक्कर काटेंगे। लेकिन ये थ्योरी फेल हो जाती है जब ये देखा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में दो ऐसे प्लैनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं जैसे कि वीनस एंड यूरेनस, शुक्र और अर्ग ऐसे ग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कोणीय गति के सिद्धांत को भी ये सिद्धांत संतुष्ट नहीं करता था। इसके बाद में बहुत सारी थ्योरी इस पर आई लेकिन जो अभी सर्वमान्य थ्योरी चल रही है वो है बिग बैंग थ्योरम, महाविस्फोट का सिद्धांत जो कि सर जॉन लॉमेंटिनियर द्वारा दिया गया था और जो कई सिद्धांतों को संतुष्ट करता है जैसे आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² और सर एडविन हेबल की हाइपोथेसिस को भी सिद्ध करता है जिसमें कहा गया था कि ब्रह्मांड का प्रसार हो जा रहा है, ब्रह्मांड हमेशा प्रसारित हो रहा है एक फूलते हुए गुब्बारे की तरह। इन्होंने अपनी परिकल्पना में बताया कि हमारे ब्रह्मांड के प्रारंभ में एक कृष्णपिंड था, ब्लैक पॉइंट, जो कि अनंत द्रव्यमान, अनंत ऊर्जा, अनंत घनत्व संयोग था। किंतु इस अनंत ऊर्जा और अनंत घनत्व इन्फिनाइट डेंसिटी इन्फिनाइट चार्ज के कंपेरिजन में जो उसका मास था वो निग्लिजिबल ही था। इसमें लगातार एनर्जी बिल्डअप होती जा रही थी और एक समय ऐसा आया कि इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ जिससे कि इसकी जो एनर्जी थी वो बाह्य वायुमंडल में फैल गई। एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास एंड मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, ऐसा आइंस्टीन साहब ने कहा था और ये सिद्धांत उस पर आधारित भी है। इस महाविस्फोट से निर्मुक्त ऊर्जा जो कि हमारे ब्रह्मांड में प्रसारित होने लगी वो एक दूसरे से, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ एक ही गैस के पार्टिकल थे वो थे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में और कोई बड़ा द्रव्यमान मौजूद नहीं था इस वजह से ये अपनी सेल्फ ग्रेविटी से एक दूसरे से जुड़कर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया द्वारा संगठित होते हुए ये भारी कणों में तब्दील होते चले गए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में फ्यूज होकर के हीलियम बनाता है, हीलियम हीलियम से कार्बन बनाता है, कार्बन कार्बन से संलयित होकर के ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में संलयित होकर सिलिकॉन बनाती है, सिलिकॉन सिलिकॉन में फ्यूज होता है तो वो
लोहा बनाता है, आयरन बनाता है, ऐसे ही ये यूरेनियम का प्रोसेस चलता रहता है। किसी भी स्टार को अगर हम देखें तो उनके कंपोजिशन में हमेशा हमको ये सीरीज दिखाई देती है, और ये सीरीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम हीलियम से कार्बन, कार्बन कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलिकन, सिलिकन सिलिकन से आयरन, और आयरन से बाकी के भारी तत्व यूरेनियम तक बढ़ते चले जाते हैं। तो इनका यह सिद्धांत भी पुष्ट करता है कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, यूनिवर्स इज करेंटली इन एक्सपेंशन मोड। और हम देखेंगे कैसे इसके लिए हमें फूलते हुए गुब्बारे का उदाहरण ले सकते हैं कि जब एक गुब्बारा छोटा था जिसमें हवा अभी नहीं भरी गई है, उसमें हम छोटे छोटे डॉट्स लगा रहे हैं, उसके बाद फिर जैसे जैसे इसमें हम हवा भरते जाते हैं ये फूलता रहता है। और इसके डॉट्स बड़े होते जाते हैं और पहले वाले से दूर होते जाते हैं। इसी तरह से जो हमारे ब्रह्मांड में स्थित आकाश गंगाएं हैं ये एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और बड़ी भी होती जा रही हैं, इनमें सतत तारों का निर्माण भी होता जा रहा है। हालांकि जब ये अपनी लिमिट क्रॉस कर जाएगा तो क्या होगा यह बताने में यह असफल है। और इस तरह से ब्रह्मांड का उत्पत्ति उन्होंने बताया। हमारे यूनिवर्स का नाम है लैनाकिया यानी हेवन ऑफ लाइट, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, और ऐसे 21 ब्रह्मांडों को मिला करके हमारा मल्टीवर्स है जो कि एक 21 बड़े बड़े ब्रह्मांडों का एक गुच्छा है। खैर हमको वहां पर ना जाकर के डिस्कस करना है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति उसी प्रोसेस से हुई जिस प्रोसेस से बाकी प्लैनेट्स का हुआ है। उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर रॉन्सडन की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ डॉक्टर राजन, सीफीड हाइपोथेसिस। सीफीड हाइपोथेसिस में बताया गया कि जो हमारा सन है इसमें जो भी मैटर उपस्थित होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टेम्परेचर एंड एक्सेसिव प्रेशर, द मैटर रिमेन इन द सरफेस ऑफ सन इज ऑलवेज इन प्लाज्मा स्टेट। कोई भी पदार्थ जो भी सूर्य के सतह पर उपस्थित है वो प्लाज्मा की अवस्था में होता है, और यह प्लाज्मा की अवस्था बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक दबाव के कारण उत्पन्न होती है। टेम्परेचर वहां पर बहुत अधिक होने का कारण है कि सेकेंड भर में वहां पर हजारों हाइड्रोजन बम दगते रहते हैं। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के कारण यहां पर बहुत अधिक एनर्जी हीट विद्यमान है। प्रेशर के कारण ग्रेविटी है, जो सन की ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पर बहुत अधिक दबाव भी विद्यमान है। इसलिए पदार्थ अपनी विशिष्ट अवस्था जो कि ताप एवं दाब के कारण बनती है और गैस तथा द्रव के बीच की अवस्था होती है, स्टेट बिटवीन गैस एंड लिक्विड। जैसे कि मैग्मा आपके ठोस एवं द्रव की बीच की कड़ी होती है, बीच की अवस्था होती है, और मैग्मा हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में 2900 से 5300 किलोमीटर की गहराई पाया जाता है, जो कि सभी तरह की भौगोलिक हलचलों, अंतरजात बलों का कारण होता है, जैसे कि भूकंप या ज्वालामुखी अपरदन या तरह तरह के जो लैंडमार्क हमारे अर्थ पर बनते हैं उनके लिए।
तो हम देखेंगे कि जब एक तारा बनता है नेबुला से, नेबुलर हाइपोथेसिस इस पर फिट बैठती है कि ये जो हाइड्रोजन, जैसे कि अभी हमने देखा कि सारे यूनिवर्स गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, गैलेक्सीज का निर्माण स्टार्स के निर्माण से ही डिपेंड करता है, और जब सॉलिडिफाई हो जाते हैं आपस में नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन के पार्टिकल्स मिल मिल करके एक भारी तत्वों का निर्माण कर लेते हैं, तो जो एयर मास तैर रही होती है वो कंप्रेस होने लगती है, उसका रेडियस कम होने लगता है और धीरे धीरे वो स्टार के फॉर्म में आ जाता है, और लगभग सभी तारे ऐसे ही बनते हैं। हमारा सूर्य अभी येलो डॉट स्टार की स्टेज में है, पीले क्षुद्र तारे की अवस्था में है। ये माना गया कि सूर्य से दूर एक अन्य तारा भी जो कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर इससे निकला, उसका नाम सिफी रखा गया, और यह तारा आकार में सूर्य से बहुत बड़ा और द्रव्यमान भी इसका सूर्य से बहुत ज्यादा था, जिसके कारण इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा थी। इसने अपनी सेल्फ ग्रेविटी से सूर्य के प्लाज्मा को अपनी ओर आकर्षित किया और यह प्लाज्मा बाहर निकला। और इसने फूले हुए शिकार का रूप ले लिया। फूला हुआ शिकार का कारण हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा इसमें से निकला, बहुत सारे निकले होंगे जो इसी में गिरके खत्म हो गए होंगे, लेकिन जो पदार्थ इसमें से बाहर निकला वो दोनों किनारों पर सिकुड़ा हुआ और बीच में फूला हुआ था। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यह है कि अगर हम कोई रबड़ को दोनों सिरों से पकड़ के खींचते हैं तो उनके दोनों किनारे आपको पतले दिखाई देंगे और बीच का भाग आपको फूला हुआ दिखाएगा, क्योंकि वहां पर कंप्रेशन का फोर्स उतना अच्छा नहीं पड़ पाता है। यहां पर इन दोनों की ग्रेविटेशनल पुलर इन पर सेम वैसे ही कार्य कर रहे हैं, इस वजह से जो किनारे के भाग थे वो पतले रहे और बीच का भाग मोटा रहा, क्योंकि इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ टेम्परेचर ज्यादा होगा। एक तरफ की हीट इसे हीट से प्राप्त हो रही है और दूसरी तरफ की हीट इसे वो हमारे सन से प्राप्त हो रही थी, इसलिए जो सबसे पहले सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ वो था हमारा जुपिटर। ये फर्स्ट प्लैनेट था जो हमारे यूनिवर्स में बना, और ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कि एक स्टार और प्लैनेट दोनों का गुण रखता है। इसमें भी पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन अवस्थित है जो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि अगर सन नहीं है मान लें तो इसके पास सेल्फ लाइट है जो देखी जा सकती है, जो और किसी भी प्लैनेट से नहीं देखी जा सकती है, इसलिए इसमें तारे एवं ग्रह दोनों का गुण विद्यमान है। इसके बाद इसके दोनों छोर के प्लैनेट बनना शुरू होंगे और सबसे लास्ट में बनेगा आपका बुध ग्रह मरकरी। यहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, उसका कारण यह है कि सूर्य के जो सोलर फ्लेयर निकलती हैं कॉस्मिक रेज चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सन स्पॉट्स बर्न द एटमॉस्फेयर ऑफ मरकरी, सो मरकरी हैव नो एटमॉस्फेयर। उसी के बगल है आपका शुक्र ग्रह, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर डेंसिटी यहीं पर पाई जाती है। हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे संगठित और डेंस एटमॉस्फेयर मरकरी के पास है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है 85% कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिरा हुआ है। इस कारण से हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्ट्रांग ग्रीन हाउस इफेक्ट
बुध ग्रह और शुक्र ग्रह पर ही देखने को मिलता है और इस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंशियल सबसे कम है। दिन और रात के तापमान में सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा जाता है, 480 डिग्री सेल्सियस और 470 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट कारण जो सोलर रेडिएशन हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव के रूप में आते हैं और सरफेस से टकराकर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में लौटते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में लौटते हैं, लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेव के रूप में लौटते हैं, वो पुनः जो पार्टिकल्स मौजूद हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उनके द्वारा वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं। इस तरह से यह यहाँ पर एक ब्लैंकेट इफेक्ट तैयार होता है जिसे कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और इस कारण से हमारा शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म रहता है, जबकि इसका जस्ट उल्टा आपका बुध ग्रह जो नजदीक है सूर्य के ज्यादा, लेकिन वो रात में उसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या कारण है कि बुध ग्रह सूर्य के अधिक नजदीक होने के बावजूद भी कम ठंडा कम गर्म हो जाता है रात में, जबकि शुक्र ग्रह ज्यादा गर्म रहता है। अभी हम और इसे सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसकी रेडियस ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं, हालांकि ये पृथ्वी के उलट घूमती है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है, क्या ऐसा कारण है कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका। उसके लिए जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एप्रोप्रिएट डिस्टेंस टुवर्ड द सन, जिसके कारण जो हमारी स्थिति है लगभग 450 मिलियन किलोमीटर दूरी है, ये देती है समुचित तापमान एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। अगर हम इससे दूर होते तब भी जीवन संभव नहीं था, यहाँ का पानी जमा रहता, और अगर हम थोड़ा और नजदीक होते तो शायद भाव बनकर के उड़ जाते। इसलिए जहां पर इसकी स्थिति है वो सर्वोत्तम है। दूसरी चीज है मास ऑफ अर्थ विच प्रोवाइड एप्रोप्रिएट ग्रेविटी, समुचित गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है अर्थ इज इंक्लाइन टुवर्ड्स इट्स एक्सिस 23.5 डिग्री विच सपोर्ट द वेदर चेंज ऑन अर्थ। नहीं तो जहां पर तापमान ज्यादा है वहां पर हमेशा तापमान उतना ही रहता और जहां पर ठंडी है वहां पर ठंडी रहती, और क्लाइमेट चेंज ना होने के कारण आप मौसम परिवर्तन की घटनाएं ना होने के कारण जो है आपके क्रॉप कल्टीवेशन कभी संभव नहीं हो सकते थे और जीवन भी संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रकृति को परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे कि वो धरती बन सके, धारणीय बन सके, जीवन को धारण करने के योग्य बन सके। तो अभी हम अगले फैक्टर की बात करते हैं जो जीवन के लिए उत्तरदायी है, यहां पर लाइफ सपोर्टिंग गैसों की उपस्थिति होना। लाइफ सपोर्टिंग गैसें जैसे कि नाइट्रोजन भी, आर्गन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ऑक्सीजन भी, ये सभी गैसें आवश्यक हैं। अगर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होता तो, क्योंकि ऑक्सीजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और नाइट्रोजन की अधिक मात्रा इसे डाइल्यूट कर देती है, अगर ऐसा नहीं होता तो एक हल्के से फ्रिक्शन से हर जगह आग लग जाती है। जैसे कि बात करें कि मेजोस्फीयर में ऑक्सीजन के पार्टिकल मौजूद हैं लेकिन भारी गैस होने के कारण नाइट्रोजन नीचे ही रह जाती है और वहां पर इसे डाइल्यूट नहीं कर पाती, इसलिए जब भी कोई मेट्रोलाइट एस्ट्राइड मेजोस्फीयर पार करने लगते हैं तो वहां पर इसके हल्के से फ्रिक्शन से जल करके खाक हो जाते हैं जो हमें टूटते हुए तारों की तरह दिखाई देते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन भी हमें धरती पर ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता से बचाती है। आर्गन गैस जंग लगने से बचाती है, क्योंकि जंग लगना तो आवश्यक भी है लेकिन ये इतनी तेजी से जंग लगते कि कभी भी कोई भी मेटलर्जिकल प्रोसेस हो ही नहीं सकता था, तो इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत ही सपोर्टिंग गैस है। अभी बात करते हैं कि ऑक्सीजन कहां से आई और अगला जो लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर है पानी कहां से आए, प्रेजेंस ऑफ वाटर अर्थ हमेशा से एक रहस्य का विषय बना रहा है जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए
थिया हाइपोथेसिस है जो आपको बताएगी कि पृथ्वी पर जल कहां से है। आज से 4.6 साल मिलियन साल पहले की बात है जब एक थिया नाम का कॉमेट हमारी धरती से आके टकराया था और उसने धरती के एक बड़े भूभाग में को उखाड़ दिया और उसे विच्छेद भी कर दिया। इसके द्वारा जो बाहर किया गया मास था उस पर डायनेमिक फोर्स लगा हुआ था, वो बाहर की ओर जा रहा था, लेकिन ग्रेविटी थी पृथ्वी की जिसने इसे अपनी ओर खींच रखा था, तो वो एक उतनी ही दूरी पर तय कर पाया जहां पर कि डायनेमिक फोर्स अप्लाई बाय थिया इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड नाउ इट स्टार्ट रिवोल्यूशन टुवर्ड द अर्थ। जब भी कोई हां क्यों बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ टेंड टू वर्क एज सेंट्रीपेटल फोर्स एंड द डायनेमिक फोर्स अप्लाइड बाय थिया वर्क एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस तरह से ये जब गोल घूमने लगा तो जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो अपनी आकृति को कम करने का प्रयास करती है और ये ही पिंड घूम करके आपका मून बन जाता है। इसका जो वेरिएशन है अर्थ से ओनली इंक्लिनेशन टुवर्ड अर्थ ओनली 5 डिग्री और इसी के कारण से हमारी अर्थ 23.5 डिग्री पर झुकी रह सकी, क्योंकि जब ये अलग हुआ तो इसके झटके से जो अर्थ में इंक्लिनेशन आया तो पहला तो जो लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर हमने देखा अभी इसके पहले पढ़ा वो भी मून के कारण आया। दूसरी चीज ये जो 5 डिग्री पर इस पर घूम रहा है क्योंकि जब बायंसी फोर्स होता है अगर हमने इसको धक्का दिया तो ये वापस अपनी स्थिति मेंटेन करने का प्रयास करता है, लेकिन मून जो कि 5 डिग्री पर रिवोल्यूट कर रहा है इसने अपनी ग्रेविटी से इसको वापस नहीं आने दिया, मतलब बायंसी फोर्स को निरस्त किया। दूसरी चीज जो थिया नाम का कॉमेट आया, कॉमेट लैटिन भाषा का शब्द है और अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सैंडी आइस स्टोन, सैंड आइस एंड स्टोन, आइस मतलब पानी, ये जहां से आया था वहां पर जमा हुआ था और यहां पर सूर्य का कारण सोलर इंसुलेशन के कारण सोलर हीटिंग के कारण ये मेल्ट हो गया और एक विशाल महासागर में जो बैठा था ये उसी में पिघल करके विशाल महासागर जिसको पैंथरासा के नाम से जानते हैं जो फर्स्ट ओशन ऑन अर्थ का फॉर्मेशन किया, इसका एक विशाल भाग पृथ्वी के भूगर्भ में भी दब गया था जो थिया फिलॉसफी को पुष्ट करता है। अभी जर्मनी और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2017 में पृथ्वी के गर्भ में एक विशाल महासागर जमे हुए महासागर की खोज किया है जो कि एक बहुत बड़े चट्टान के अंदर भरा हुआ है जिसे रिंग उडाइट के नाम से जाना जाता है और रिंग उडाइट की खोज बताती है कि ये हाइपोथेसिस सही थी क्योंकि पृथ्वी के भूगर्भ में कभी भी इतना विशाल महासागर नहीं पैदा हो सकता, उसमें जितना पानी है हमारे सभी महासागरों के जल को जोड़ लिया जाए तो उसका 3 गुना ज्यादा है उसमें। तो थिया का एक पार्ट था जो क्रैक से अंदर धंसता चला गया था, बहुत ही तगड़ा दबाव डालता है जिससे कि धरातल फट जाते हैं और इस तरह से जल हमारी पृथ्वी पर आया और उसका धूल भी हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फैल गए, चारों तरफ सर्वत्र धूल विद्यमान हो गई। अब पैंथलासा में ऑपरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो वाटर वेपर ऊपर जाएंगे और इस जो कोलिजन हुआ था उस कोलिजन से बहुत सारे धूल के कण जो हमारे एटमॉस्फेयर में विद्यमान थे वो आपस में संक्रिया करते हैं और क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि वाटर वेपर जब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जैसे कि कोई साल्ट पार्टिकल हो, सैंड पार्टिकल हो, कार्बन पार्टिकल हो, इनसे मिलते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होकर क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से हमारी पृथ्वी पर बहुत समय तक घनघोर बारिश होती रही, इसका परिणाम यह हुआ कि जो उस घनघोर बारिश से जो
पार्टिकल थे वो नीचे आए और उस समय हमारी जो अर्थ थी वो इग्नियस रॉक की बनी हुई थी, अब उसके ऊपर सेडिमेंटरी रॉक्स की परत जमती चली गई, ये भी बहुत जरूरी था। और भारी बारिश से, क्योंकि सेडिमेंटरी रॉक आर परमिएबल टू द वाटर, सो इट सपोर्ट अ लीचिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, भूगर्भीय जल नीचे एकत्रित होता चला गया। इग्नियस ही रॉक होती तो कभी भी ग्राउंड वाटर का स्वाद आप नहीं चख सकते थे और फिर जीवन भी संभव नहीं होता। तो जो पानी के साथ ही जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया स्टैंड पार्टिकल के रूप में हमारे अर्थ के ऊपर आए और एक सेडिमेंटरी लेयर का निर्माण किया जो अभी क्रस्ट में देखी जा सकती है, तो 80% आपकी क्रस्ट सेडिमेंटरी रॉक की ही बनी हुई है। और इसमें जब लीचिंग हुई, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ और नीचे इग्नियस रॉक ने इनको सपोर्ट प्रदान किया, इनको बेस दिया जिस पर कि वो टिक सके।